बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसको फ्लैट को ट्रेस करना नहीं आता है। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि फ्लैट को ट्रेस करने आता है तो वो बोलता है कि हमें फ्लैट को प्लेन को ट्रेस करना नहीं आता है। ये आपको उस सिचुएशन में बहुत ही काम आ सकती है जब आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड कहीं जा रहे हो, तो वो आप कैसे अपने लैपटॉप से कैसे पता करेंगे कि वो अभी कहाँ है, कहीं झीलों में तो नहीं है, कहीं पहाड़ों में तो नहीं है, कहीं एयरपोर्ट पर तो नहीं बैठे हुए हैं। तो वो आप बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, दोनों से आप बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप, जाना उसको बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि वो अभी कहाँ है, कहीं पहाड़ों में तो नहीं है, कहीं झीलों में तो नहीं है, कहीं एयरपोर्ट पर तो नहीं है वो प्लेन। आप बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से उसको ट्रेस कर सकते हो। तो कैसे प्लेन को ट्रेस करना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, आप किसी भी कोने से आप बहुत ही इजीली आप फ्लाइट को आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों, तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो है जितने फ्लाइट हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल GPS लगे होते हैं और ये लगा होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ऊपर होता है और इसमें जो होते हैं कि जो भी आदमी जो जाता है उसको जो है आपको सेफ्टी पहुंचाने का जो है बना रहता है कि वो सेफ्टी जगह पर पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ही हाइट ऊपर रहता है तो इसीलिए इसमें GPS का पावरफुल GPS होना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्लाइट में। तो उसी GPS से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने से आप बहुत ही इजीली आप कोई भी फ्लाइट को आप ट्रेस कर सकते हो कि वो फ्लाइट कहाँ है, उसकी लोकेशन आप देख सकते हो, उसके 3D व्यू में भी आप देख सकते हो कि वो फ्लाइट कहाँ है। तो आप बहुत ही इजीली आप जो है कर सकते हो, क्योंकि ये जो सब होता है वो जो है GPS लगा होता है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल GPS जो है प्लेन में लगा होता है। तो आप बहुत ही ईजिली आप लैपटॉप से भी कर सकते हो और आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप से बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कोई फ्लाइट को सर्च करेंगे और दुनिया के कोई फ्लाइट को किस तरीके से आप सर्च करेंगे, उसको 3D व्यू में कैसे देखेंगे, उसका रूट कैसे देखेंगे, तो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप कोई भी फ्लाइट को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि वो फ्लाइट अभी कहाँ है या आपके मकान के कहीं ऊपर तो नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप इस जो एप्लीकेशन है इससे आप पता लगा सकते हो। दोस्तों, ये जो इतना एग्जैक्ट और इतना रियल लोकेशन बताता है कि अगर ये प्लेन आपके मकान के ऊपर जा रहा होगा तो भी आपको ये एकदम रियल और एकदम सही लोकेशन ये बता देता है। अगर ये फ्लैट आपके घर के ऊपर होगा तो ये मैप में भी शो करेगा कि ये फ्लैट जो है आपके घर के ऊपर है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ये एप्लीकेशन है और ये एकदम रियल और परफेक्ट आपको दिखाता है। तो आप अपने कोई भी फ्लाइट को सर्च करने के लिए, तो आप अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और उसमें आप टाइपिंग करेंगे www.flightradar24.com। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आके ओपन हो सकते हैं। अगर आप मेरे जो लिंक दिया है उस पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने जो कोई भी ब्राउज़र है उसमें टाइपिंग कर दीजिए ये वेबसाइट, तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ दुनिया भर के सारे यहाँ फ्लाइट है, ये अपनी अपनी दिशा में जहाँ जाना है वो सारे के सारे ये फ्लाइट अपनी अपनी दिशा में और अपने अपने जो है एयरपोर्ट की तरफ ये जा रहा है। तो इसको आप बहुत ही इजीली देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ इस फ्लाइट पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ फ्लाइट का नंबर आ चुका है और इस फ्लाइट का नंबर है AAL 9744। इस तरीके से कोई फ्लाइट को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ कोई फ्लाइट के लिए, मैं इस फ्लाइट पर क्लिक करता हूँ तो इस फ्लाइट का नंबर है AAL4। इसी तरीके से कोई फ्लाइट का आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यह फ्लाइट का सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे QTR@2P है। इस तरीके से आप कोई भी फ्लाइट को सर्च कर सकते हैं इस तरीके से आप कर्सर रख के।
इसी तरीके से हम किसी फ्लैट पर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका हम पूरा शेड्यूल जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ से कहाँ ये फ्लैट जा रही है और यहाँ पे फ्लैट का जो है लोकेशन भी यहाँ पे शो कर रहा है और ये फ्लैट है इंडिगो जो आप यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे है मेक्सिको सिटी से यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह के लिए ये जा रही है और यहाँ पे आपका यहाँ पे शेड्यूल भी आपको यहाँ पे दे रहा होगा। यहाँ पे एक्चुअल आपको बता रहा होगा, यहाँ पे नीचे आपको ये प्लेन का शो भी कर रहा है और यहाँ पे इसका रूट अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से रूट पर क्लिक कीजिएगा। इसे रूट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए ये रूट आपको यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये जा रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये फ्लाइट का रूट भी इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फ्लो के लिए या फ्लो पर क्लिक कीजिएगा तो इसको आप जो प्लेन है इसको आप इस तरीके से फ्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है इसको मैं फ्लो किया हूँ, इसको जूम कीजिएगा तो आपको ये प्लेन जो है चलता हुआ नजर आएगा। जितना जूम कीजिएगा उतना आपको ये प्लेन जो है आपको क्लियरिटी इस तरीके से जूम करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लेन जो है ये चल रही है तो इस तरीके से आपको ये प्लेन ये चलता हुआ नजर आएगा। जितना जूम कीजिएगा उतना आपको क्लियरिटी दिखा देगा। चलिए हम इसको जूम आउट हो लेते हैं और इसमें आपको इसी तरीके से जो भी प्लेन को देखना है बहुत ही आसानी से आप इस जो है फ्लाइट रडार 24 की हेल्प से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई फैमिली में कहीं जा रहा है तो बहुत ही आसानी से उसको भी आप इसमें आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया भर के यहाँ पे आपको फ्लैट यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से दूसरा फ्लैट देखने के लिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा फ्लैट को जो भी देखना चाहते हैं वो दूसरा फ्लैट को आप इसमें से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा फ्लैट को चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे DAL 289 को मैं सर्च करना चाहता हूं तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए कि ये प्लेन जो है यहां पे आ चुका है और इस तरीके से यहां पे ये जो है यहां से यहां की ओर जा रहा है और यहां पे देखिए प्लेन ये चल रहा है। तो इसका रूट भी आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये रूट वाले पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वो बता देगा प्लेन यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये प्लेन है जो जा रही है। जितना जूम कीजिएगा इस तरीके से आपको प्लेन है चलता हुआ ये प्लेन नजर आएगा। यहाँ पर देखिए क्लियरिटी आपको यहाँ पर शो कर बता देगा यहाँ पर देखिए कि ये प्लेन जो आपको यहाँ पर चलता हुआ ये नजर आएगा। तो इस तरीके जितना जूम कीजिएगा तो इस तरीके से ये प्लेन आपको है चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेन यहाँ पे चल रही है तो ये बहुत ही रियल और एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है इस एप्लीकेशन की हेल्प से। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद कुछ और प्लेन को हम यहाँ से सर्च करके देख लेते हैं कि वो प्लेन का स्थिति क्या है। तो इसी तरीके से आप कोई भी प्लेन को सर्च करके देख सकते हैं कि कौन प्लेन कहाँ है। तो ये बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट तरीका है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कहीं जा रहा है, कोई फ्रेंड वगैरह कहीं जा रहा है तो आप बहुत ही आसानी से है ना इस मैप की हेल्प से आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्लेन को अगर रियल लोकेशन देखना चाहते हैं तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये प्लेन को ले लेता हूँ, यहाँ UAL 899 इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ बताता हूँ कि इसका रियल लोकेशन क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको जूम करेंगे और इस तरीके से आपको जूम करके इस तरीके से यहाँ पे आपको ले आना है और इस तरीके से आपको रियल लोकेशन ये आप इसका पता चलेगा कि ये प्लेन अभी कहाँ पे। यहाँ पे जैसे जूम कीजिएगा तो जितना जूम कीजिएगा वो उतना आपको यहाँ पे क्लियरिटी बताएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन जो आपको यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इस यहाँ पे देखिए कितना जो फास्ट में ये प्लेन चल रही है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका रियल लोकेशन पता लगा सकते हैं कि ये प्लेन कहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोई जो है पानी जो है समुंदर वगैरह है उसमें अभी ये प्लेन जो है गुजर रही है, समुंदर वाले इलाका से ये प्लेन जो है प्लेन गुजर रही है। यहाँ पर देख रहे हैं धरती साइड में है और ये पूरा जो है पानी है। तो ये अभी कोई जो है सी है, कोई महासागर वगैरह होगा तो उसके ऊपर से ये प्लेन जो है यहाँ पे गुजर रही है। तो इस तरीके से कोई भी प्लेन का लोकेशन आप पता लगा सकते हैं कि वो प्लेन कहाँ है। जैसे मैं दूसरा प्लेन का रियल लोकेशन पता लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ इस तरीके से मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। चलिए मैं दूसरा मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ढेर सारा प्लेन है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ये वाले प्लेन को, यहाँ GTI 2678 इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूं तो आपको रियल लोकेशन का पता चलेगा। इस तरीके से आप यहां पे जूम कर लेंगे इस तरीके से, यहां पर देखिए प्लेन आपको चलता हुआ यहां पे नज़र आता होगा। यहां देखिए प्लेन जो है आपको इस तरीके से यहां पे चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से ये प्लेन जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं हाई लेवल है एरिया, तो यहाँ पर प्लेन जो है काफ़ी स्पीड में यहाँ पर चल रही है। ये थोड़ा और मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो ये आपको ये बहुत ही परफेक्टली दिखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कोई पहाड़ी इलाका में जा रहा है और काफ़ी स्पीड में ये प्लेन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये लोकेशन बहुत ही परफेक्टली दिखा रहा है। देखिए यह कोई पहाड़ी इलाका में इस तरीके से ये प्लेन है जा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी प्लेन का बहुत ही आसानी से आप उसका रियल लोकेशन पता लगा सकते हैं कि ये प्लेन अभी कहाँ है और किस दिशा में है, कौन से जगह पर ये जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है
चटक में चटक की ओर है और इस तरीके से यहाँ पे चटक की ओर ये जा रही है प्लेन। तो ये पता नहीं ये कहाँ जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रियल लोकेशन पता लगा सकते हैं कि ये प्लेन अभी कहाँ पे है। तो इस तरीके से कोई भी प्लेन का आप बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं। चलिए मैं कोई दूसरा फ्लाइट का रियल लोकेशन दिखा देता हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैं इस वाले को, ये जो प्लेन है, मैं ये वाला प्लेन को ले लेता हूँ। चलिए ये वाला प्लेन मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका रियल लोकेशन बताकर मैं इस पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इस पर आपको जूम कीजिएगा प्लेन को, तो आपको ये रियल लोकेशन बताएगा कि ये प्लेन जो है अभी कहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, जूम करते जाइएगा, जितना जूम कीजिएगा उस तरीके से ये प्लेन का आपको जो है रियल लोकेशन बताएगा। आप देख रहे हैं कि ये प्लेन जो है ये किस दिशा की ओर यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये कोई जो पहाड़ी इलाका है, ये अभी समुंदर में है ये प्लेन, और ये देखिए प्लेन यहाँ से ये घूमता हुआ इस दिशा में इस तरीके से ये प्लेन चल रहा है। तो ये आप देख भी रहे होंगे ये पहाड़ी इलाका में कहीं घुस रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अंगल आइसलैंड की तरफ ये प्लेन है, इस तरीके से घूम घूम के ये जा रही है। तो इस तरीके से ये प्लेन यहाँ पे जा रही है। इस तरीके से कोई भी प्लेन का आप रियल लोकेशन देख सकते हैं। चलिए मैं जूम आउट हो जाता हूँ। जूम आउट होने के बाद आप यहाँ पर ढेर सारा प्लेन को देख सकते हैं। अगर हमें अपने हिसाब से कोई भी प्लेन को सर्च करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी प्लेन का आप नाम टाइपिंग करना चाहते हैं इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एयर इंडिया, इस तरीके से आपको भी लिख देना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर एयर इंडिया यहाँ पर डाला हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्लेन यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही डाला तो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है। इस पर आप किसी पे क्लिक कीजिएगा, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पे फ्लाइट डाला हूँ एयर इंडिया का, तो एयर इंडिया के यहाँ फ्लाइट आ चुका है। यहाँ पर देखिए एयर इंडिया, और यहाँ पे आपका जो पूरा यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे फिट एयरक्राफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो फ्लाइट का जो है ट्रेस करने का मतलब यह है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कहीं आप जा रहा है और आपको पता है उसका जो है टिकट नंबर, फ्लाइट नंबर कौन से एयरपोर्ट से जा रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से उस पर्सन को, अपने फैमिली मेम्बर को आप जो है पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आके इस तरीके से पता लगा लेना। जैसे मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स पे यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, एयरपोर्ट का ऑप्शन, एयरलाइंस का, एयरक्राफ्ट का, फ्लाइट का, पैनल फ्लाइट का और एस्थेटिक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से जिस भी पे क्लिक कीजिएगा वो सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन ओपन होके आपको आ जाता है। सो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एयरपोर्ट पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पर दुनिया भर के जितने एयरपोर्ट है सारे के सारे आ गया। मैं यहाँ पे इंडिया वाले पर आई पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन, यहाँ पे जितने आए से है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इंडिया में 101 जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर इंडिया में जितने एयरपोर्ट है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो कर देता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इंडिया में जो 101 मतलब 101 जितने एयरपोर्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको एयरपोर्ट से शो कर देता है। आप जिस भी एयरपोर्ट से सर्च करना चाहते हैं आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ओपन होकर यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है फ्लाइट का, यहाँ पर यहाँ फ्लाइट नंबर दिया हुआ है फ्रॉम के कहाँ से कहाँ जाएगी, और यहाँ एयरलाइंस भी आपको यहाँ पर शो कर देता है, यहाँ एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर स्टेटस यहाँ पर आपको शो कर देता है। तो यहाँ पे इसका अराइवल का ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि शो ऑल अराइवल, यहाँ पे आपका डिपार्चर का ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाता है। सो इस तरीके से शो ऑल अराइवल पे क्लिक करके जितने जो अराइवल हुए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने हैं वो सारे जो अराइवल हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप डिपार्चर पे जाकर डिपार्चर को भी आप इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिपार्चर पे क्लिक कीजिएगा और जितने डिपार्चर हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इसके नीचे आपको यहाँ पे शो कर देता है, जो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई फ्लाइट को ट्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फ्लाइट का नंबर है तो उसको बहुत ही आसानी से आप उसको ट्रेस कर सकते हो। इसके लिए यहाँ सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद यहाँ पे आपके एक ऑप्शन मिल जाता है, सर्च फॉर फ्लाइट बाय फ्लाइट नंबर। यहाँ पे आपको फ्लाइट नंबर डाल देना है, जो भी आदमी आपका घर का मेम्बर है या कोई फ्रेंड है अगर वो फ्लाइट से जा रहा है तो आप यहाँ पर फ्लाइट का नंबर डालेंगे और बहुत ही आसानी से उसको पता लगा सकते हैं कि जो आपका फैमिली मेम्बर एयरपोर्ट पे है या एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। तो वो फ्लाइट नंबर आप इसमें डाल के बहुत ही आसानी से उस पर्सन का पता लगा सकते हैं। तो
तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इजीली तरीक़ा से आप अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड वगैरह को आप सर्च कर सकते हैं कि वो कहाँ पे गए हैं। तो ये गाज ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार फीचर है, जिससे आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से आप अपने जो कोई फ्रेंड वगैरह जाता है उसको बहुत ही ईजिली आप पता लगा सकते हो यहाँ से जाके। तो गाज ये बहुत ही अच्छा और शानदार फीचर है। तो गाज अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूं। और मैं एक वीडियो बना रखा हूं मोबाइल के थ्रू कि मोबाइल पे आप किस तरीके से कोई भी लोकेशन को आप फाइंड करेंगे, कैसे उसको 3D में देखेंगे, कैसे उसका जो है आप रियल लोकेशन देखेंगे, वो सारे के सारे मैं आपको जो है मोबाइल से मैं बता रखा हूं कि मोबाइल से आप कैसे आप ट्रेस करेंगे अपने जो कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है एयरपोर्ट पे है या प्लेन में है तो वो कहां पे है, वो बहुत ही ईजिली तरीके से आप मोबाइल से भी आप जो फाइंड लगा सकते हैं पता लगा सकते हैं आपका फैमिली मेम्बर या आपका फ्रेंड कहाँ है। तो मैं उस पर एक वीडियो बना रखा हूँ, वो भी वीडियो आप जाके बहुत ही इजी तरीके से आप देख सकते हैं कि मोबाइल से कैसे पता लगाएंगे। तो सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम कोई भी प्लेन कोई भी फ्लाइट को किस तरीके से हम ट्रेस करेंगे। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर कोई फ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड अगर वो कहीं जा रहे हैं अगर आपको उस प्लेन का नंबर पता है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।